ओप्पो को M6 Pro के अंदर नया हाइपर OS 1.0.4.0 का अपडेट आ चुका है एंड इसी वाले अपडेट के बाद हम लोग इस वाले फोन का BGMI टेस्ट करने वाले हैं, प्लस हम लोग लिविक की जगह वीडियो में इरेंगल खेलने वाले हैं। सो स्टार्टिंग में आप लोगों को गेम प्ले देखने को मिल जाएगा, लेकिन एंडिंग में मैं आप लोगों को अपने PUVC भी बताऊंगा कि एक्चुअली में आप लोगों को फोन की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिल रही है इस टाइम पे। सो जितने भी लोग फ्यूचर में पोको M6 Pro लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट पार्ट तो एटलीस्ट देख ही लेना, जिसमें मैं आप लोगों को इस वाले फोन का रिव्यू बताने वाला हूं। सो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से भाई वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। सो टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को अपने फोन की थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे पास पोको M6 Pro का 464GB वाला वेरिएंट है, जो कि इस टाइम पे डिसकंटिन्यू हो चुका है। फोन की स्टोरेज मेरी ऑलमोस्ट 60% के आसपास खाली है। गेम प्ले हम लोग स्मूथ प्लस अल्ट्रा ग्राफिक्स में करने वाले हैं। जायरोस्कोप मेरा ऑफ रहने वाला है, क्योंकि फोन में आप लोगों को जायरो का परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। एंड इन सभी चीजों के अलावा फोन की हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं एक फोन कूलर भी यूज करने वाला हूँ। नाउ अब आप लोग भाई आराम से गेम प्ले एंजॉय करो।
इतना गेम प्ले देखने के बाद आई थिंक आप में से सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि फोन की परफॉर्मेंस आप लोगों को इस टाइम पे कैसी देखने को मिल रही है। हाइपर ओएस 1.0.4.0 के बाद से फोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड आई थिंक अब तक का सबसे अच्छा हाइपर ओएस का अपडेट यही वाला है इस वाले फोन में। गेमिंग परफॉर्मेंस फोन की बढ़िया आप लोगों को देखने को मिल रही है, लैग वगैरह पहले के मुकाबले बहुत ही कम कर रहा है। मेरे अदर पोको M6 Pro के BGMI टेस्ट में आप लोग देख सकते हो कि मैं लिविक खेला हूं हर मैच में, क्योंकि इरेंगल में ज्यादा लैग मुझे देखने को मिलता था, बट अभी मैं इरेंगल भी स्मूथली खेल पा रहा हूं, जो कि 10,000 के फोन के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एंड हायर वेरिएंट्स में आप लोगों को और अच्छा गेम प्ले देखने को मिल सकता है। मेरे पास 464 है, अगर आप लोगों के पास हायर रैम वेरिएंट्स है आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत बूस्ट परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। एंड बैटरी ड्रेन वगैरह भी मैंने नोटिस करने का ट्राई किया पहले के मुकाबले, अगेन वो चीज भी थोड़ी सी कम हुई है। बस हीटिंग के प्रॉब्लम फोन में बनी हुई है, हीटिंग ठीक नहीं हो रही है एंड वो लॉजिकल भी है क्योंकि गर्मी का सीजन वगैरह चल रहा है तो फोन हीट करेगा ही। प्लस ये वाला फोन आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में देखने को मिलता है, इसलिए इस वाले फोन का हीट मैनेजमेंट भी उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन हम लोग उस चीज के लिए इस वाले फोन को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि भाई हम लोग इतने कम प्राइस पॉइंट में और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे एक फोन से। बाकी मैं अभी भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हीटिंग के लिए एक फोन कूलर परचेस कर लो। फोन कूलर के दो वीडियोस मैंने बना रखे, दोनों के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उन्हें देख के आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का फोन कूलर आप लोगों को अपने फोन के लिए परचेस करना चाहिए। एंड उन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगे कुछ बेस्ट फोन कूलर्स के, जिन्हें आप लोग डायरेक्टली जाके अमेजोन से परचेस कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड यहां तक के वीडियो देख लिए तो डेफिनेटली पसंद आई है, इसलिए भाई सब्सक्राइब तो एटलीस्ट आप लोग कर ही दो। एंड इस फोन के बारे में अपने ओपिनियंस, आप लोगों को टेस्ट वगैरह कैसा लगा सब कुछ आप कमेंट कर सकते हो, मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स को रीड करता हूं। प्लस अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है जिन पे मैं फ्यूचर में वीडियोस बना सकता हूं तो उन्हें भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।